जी जी बे माँ मंदिर वाला हनुमान जी को नहीं की बे के चारू ही भुआ जी जी इतनी छोकी आई है कहीं बताऊं थाने। छोटी आप भला तो जग भला। साची में जी जी है ने यान का छोटा घर के मायने चारू एक साथ रेवे पर मजा ले के कोई ने की ठाई पड़ जा बड़ी तो हेत प्रेम मत तो कटी कौन देखियो भाई हनुमान जी की बुआ तो हनुमान जी की बुआ ही है। अरे भाई देख अब हनुमान जी के बेटा की बुआ चाहे कितनी भी छोकी हुआ मैं काम हनुमान जी के हनुमान जी की बहू के आई थारे तो थारी बहू आई। जी जी काम तो कोनी आवे पर तारीफ करिया भी ना थोड़ी रही जे कि लोगा ने हमेशा पराई थाले के मायने घी ज्यादा दी क्या करे पर काई है दुनिया के मायने रीत है सगला ने खुद की बहू कम और दूसरा की बहू ज्यादा छोकी लागे। ईयान की बात कोनी है जीजी खुद की कम हुए जने कम समझे। अब मारे ही देख लियो आ दलदल है 2 घंटा हो गया चाय को किया ने हाल तक चाय को ले रही है। साची जीजी एक नंबर की ढीली ढक्कन है मारा तो घंटा किसा खोटा कर्म करियो आज को ईयान की बहू आई मारे। मम्मी जी चाय तो एहसान करियो माँ के ऊपर रख दियो एक इतनी चाय बनावा को कियो जगह गमाने 4 घंटा लगा दिया महारानी। काई चाय बनाई यान की है एक तो 2 घंटा चाय बना ले रही और भाई फीकी फट देखो जीजी थे। छोटी मने तो सही लाग रही है चाय भाई जीजी थांगे तो काई है कि थे फीकी चाय पीवो ई वास्ते थांगे चल ले पर मने तो देखो मीठी चाय चाहिए मने तो यान की फीकी चाय कौन भावे। मम्मी जी मैं सही कर लाऊं ले दो। हाँ तो इम केबा को काई है लानी पड़ी बातों घालर मैं क्यों था जी जी दलदल है एक नंबर की दलदल। छोटी हो जाया करे कदे चीनी ज्यादा हो जाओ कदे कम हो जाओ इतनी कोई बड़ी बात को नहीं है। मम्मी जी लो देख मैं होली का सामान की सगली लिस्ट बनाती हूँ और वो सामान मैं आज ही ले रहा हूँ ठीक है। थक बाप का घर की लग गया कि चीनी की बोरिया है फिर फीकी जी जी मन ठा है जी जी आप बहु है ना जान बूझ मन छो की चाय कौन पावे जी जी साची। देखो थे कि आप बोल फड़को मार गीज को देखी जी जी देख मम्मी जी लो मन्ना चाय पीनी कोनी मन्ना तो चाय नहीं जी जी मन बताओ आप बहु मन बोझ समझे समझे कौन समझे हैं पूरो डब्बो ले रहा बाकी कटे जरूर तीन कर। अरे तो छोटी मैं गलत काई है अब तो अब इन्हें बार बार चीनी गाल रही तन कम लाग रही तो चीनी को डब्बो ले आया अब तू थारी साबू ले ले कमाई। माँ काई हुई हो सब ठीक तो है काई कौन हुई हो थारी महारानी ने काम करवा को जोर आवे। देख भाई बेटा मैं तो अन्ना थारू भलो चाहूं है ना मारू भाई रे रोज रोज को कोतक कोनी हुए बेटा रे कोनी हुए तो यहाँ कर एक अलग कमरो ले ले और थारी पदमनी ने ले जा थारे सागे भाई रे माऊ तो कोतक कोनी हुए। अरे छोटी जी जी की मत बोलो थे तो की मत बोलो साची मैं जानू एक अलग कर आ ई वास्ते करे सगला ताकि अलग हो जावे तो ले जा भाई रही ने थारा अलग कमरो ले ले थे दोनों अलग रहो मन तो खींच लेवा रोड लेवा मैं तो माकी। छोटी कोई इतनी भी बड़ी बात कोनी है एक चाय बनावा को क्यों जको इन महाराणी जो राय वो काई काम की माके यान की बहू काई काम की वो जाओ अलग इनने थे जाओ रसोई में था काम करो अचिन तो तू भी जा है मैं वो सामान ले रहा हूँ बाजार हूँ ठीक है बाकी को काम बाद में देख ले वहां। हाँ ठीक है ए जी जी तो है ना घर रेवे ना जन बहु न की सुना भाई कौन देवे बीच बीच का मैंने आपको ज्ञान दे दे अब घियोड़ा है अब थोड़ी खबर ले रहा हूँ। ओ महारानी फोड़ ठीक रहा हमारे घर का फोड़ तू। नहीं नहीं मम्मी जी मैं तो बस बर्तन मैं सब जानू काम करवा को जोर आवे तन्ने। अरे माँ काई हुई हो। अरे बेटा हूनो काई हो मैं तो तने कितनी बार कह दियो कि भाई इन्हें थारे कमरो अलग ले ले इन्हें ले जा अटो सागे। बेटा रे मैं तुम्हारे सीधी सादी लुगाई हूँ मारू है रोज रोज का कोतक सेन कोनी हुए बस है और थारी आप पदमनी इन्हें तो जद देव को जड़ कोतक जिजे घर के मायने बर्तन मांजी तो कोतक काम करी तो कोतक भगवान अब सारो दिन कोतक क्यों करी जे मारी कोई उम्र है कोतक करवा की
ई वास्ते मैं तो तने सावल क्यों थार बटी ने पावटा गानी ऑफिस है बटी ने थारो कमरो देख ले है थारे ने सागे ले जा सुन ले भाई रे मारी बात सुन ले मैं तो हार जोड़ू थाने भाई रे थे राज्य रे वो माने और काई चीज है ले जा थारे ने सागे छोटी तू फेर शुरू होगी जी जी हर वक्त जब देखो जब घर के मायने कलेश ही फैलाड़ो रखे ओ नो जी जी ठेकाई वास्ते आया मैं तो थेलो भूल गई वो लेबा के वास्ते आई पर अटार देखा तो थारा तो की रंग ढंग लगी दिखे मैं तो की कोने बस यही है जाओ था रस्ते में काम करो टकाई देखो ए चिंटू तो ही जा बेटा है ना पतो कोनी कद अक्कल आई मैं ले रहा हूँ सामान शांति रखो थोड़ी छोटी छोटी हाँ जी जी कटे खोयोड़ी है जी जी हनुमान जी के बेटा की बुआ इया काम पीवे जन कोई पानी पीवे जिया अच्छी जी जी घाटा काई करम करियोड़ा हनुमान जी की भूखा जो को बुआ इसी छोकी आई है काई बताऊं थाने भेड़ी रेवे चारू की चारू साची भाई जी जी ओ आप आपका करम हुए बाके वे कांटा किसा भूखी लागे करम तेज है हनुमान जी का भूखा मारू है जन इसी छोकी वो आई है हाँ मम्मी जी काई है मम्मी जी मैं ये पूछ रही शाम का खाना मैं काई बनाऊं मन बना लियो बूटी उबन आई है इतनी अकल कोनी के शाम का खाना कमाने काई बनानो है झुको अरे छोटी बीननी खाना कोई तो पूछ रही है नहीं जी जी थाने ध्यान कोनी आ बहु मारी छाती रांद बम पार नहीं रखे पार बस चल लेने तो अमन तल तल और खा ले वे तल तल और काई हुयो अरे बेटा रे तने हाथ जोड़ू इन धीरा ने अलग कर ले अरे तू अलग कमरो ले ले किराया को और इन्हें ले जा सारे सागे मारी इतनी आत्मा बाड़ी ख्याल लुगाई जितनी मैं बता नहीं सकूं तू थारो अलग कमरो ले और इन न्यारी कर न्यारी हो जाओ थे तो वह सब न्यारा हो जाओ थे ही था का सोरा और मैं ही माँ का सोरा मैं तो पोले मार खा ले मार धनी लुगाई माँ कहीं चीजे की कौन चीजे माँ के तो मारो खून भी गया बहु काटो भाई तल तल अब डूब भी मारो मुंडो कहीं देखे महाराणी यहाँ कर जार कटी ढोकला बना दे कठे चाबा की जरूरत कोनी माँ अब आ कौन बनावे थांगे ढोकला क्यों जाओ ते माई ने जार पैकिंग करो कपड़ा अपड़ा घालो और चालबा की तैयारी करो माँ मैं रोज रोज की घर की किचकिच परेशान हूँ गो और जब थे चाहो कि मैं नेरो हो जाऊं तो आज मैं नेरो हो रही हूँ मैं हमारे दोस्त तो बात कर ली वो किराए पर कमरो देख ली और मैं अब शाम का ही निकल जाऊंगा दोनों पर बेटा माँ मैं मारी जिंदगी में कदे ही कौन चाहता हूँ कि मैं थारू नेरो हूँ अटे अलग हूँ लेकिन थे मैंने मजबूर कर दियो कि आज मन नेरो होनो ही पड़ रही है पहली मैं भी सोचतो जब मैं देखतो ना कि कोई का बेटा अलग होगा या सोचतो कि ब्याह होता ही है बेटा माँ बाप को अलग क्यों हो जावे आज मन ध्यान पड़ियो माँ क्या घर की जकी कड़े हुए ने आप बेटा ने मजबूर कर देवे अलग हुआ पर जद मारी माँ मन खुद बात बात पर कह रही है कि थारी लुगाई ने लेर अलग हो जा न्यारो हो जा जड़ मैं किया भेड़ो रे हूं माँ चिंटू ले जा तू तो बहू ने साथ है और हो जा अलग रोज रोज आई तो कहती न्यारी हो जा ए ले ए होगा थारा बेटा बहू न्यारा अब तो तू सोरी रे छोटी अटे जी जी तुम्हारे मार बेटा को दोस्त कोनी है हाँ सगलो दोषी बहू को है मारो बेटो तो घोड़ो डालो है इन्हें तो हमारा ने सिखाई हुए है मैंने ठा है नेरे उबन जड़ हुए नहीं तो मारो बेटो नारे उबाड़ो कोनी हो जी जी अलग उपक बारे में समझे ही कोनी हो तो आज बहुत सिखाई हुए देखो जी जी मारा ऐसा बोला डाला बेटा ने सिखा सिखा रिशो करियो के आज आपकी माँ हुई अलग उपक वास्ते जाबा लागो ईशा को घराना की बहु आई जो कुमार घर को सत्यानाश कर दियो छोटी को घराना की बहुआ को नहीं हुआ करे को घराना की हुआ करे बैल लुगाया जबकि बहुआ ने कदे घर को सदस्य समझे ही कोनी तो को घराना की बैल लुगाया हुए जबकि आपकी बहू ने कदे अपनावे ही कोनी देख छोटी सच्चाई तो आ है कि कोई भी लड़की शादी कर आवे ना तो बा कदे मन में कौन सोच रहा करे कि मैं अलग होऊं या अपन का पति के लेर में बाहर निकल जाऊं लेकिन जब भी की सासू की हरकत आयान की हो जावे कि बिना मजबूर होना पड़े आपका पति के साथ अलग हुआ वास्ते
और जब थे खुद रोजीना कहती रहो था कि बुआ ने बेटा ने अलग हो जाओ, न्यारा हो जाओ, न्यारा हो जाओ, तो फिर जब वे न्यारा हुए जन थाने तो बुरा क्यों लगे। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल सही फैसलो लियो चिंटू, रोज रोज की कड़े बिचे, रोज रोज की राड़ बिचे तो बाढ़ छोकी। देख छोटी, ये चीज के मायने ना तो दोस्त थारा बेटा को है और ना ही दोस्त थारी बहू को है, दोस्त है थारे ज्यान की सासुआ को। जकी कही है कि दुनिया भर की बहुआ की तो तारीफ करी, पर खुद की बहू बहन घर के मायने सुहावे ही कोनी। देख छोटी, क्यान का भी हो चाहे, बेटा बहू था का टाबर है, थे तो दुनिया देखी हो लेकिन बे दुनिया कौन देखी है, तो थाने थोड़ी घनी समझदारी दिखानी चाहिए। और जका घर के मायने सासू समझदारी दिखावे वो घर कदे ही कौन टूटिया करे। मने माफ कर दीजो माँ, लेकिन आज मैं नहीं चाहता हूँ अभी थाके केबा के कारण अलग हो रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, बिना नहीं, नहीं, नहीं। कोई नेगेटिव कौन जानो, मैं तो यही पतू को नहीं, मैं यही बहू के साथ खोड़ी लाई करी, मैं अब कौन करूँ बीननी, बेटा पर जा मत कर। मैं तो बस इतना ही चाहूँ कि तह चाहे जो कहो, लेकिन बात बात पर है ना, ताका बेटा ने बहू ने घर छोड़बा वास्ते मत कहो बस। देखो सा, लड़ाई झगड़ा हर घर में चलता रिया करे, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर थांगा बेटा बहू ने इया कहनो के घर छोड़ बाहर निकल जाओ या घर छोड़ जाओ परा या न्यारा हो जाओ, कोई भी सासू ससुरा ने शोभा कोनी देवे। अगर थांगा घर का टाबर है तो बेने समझाओ, लेकिन खुद अलग बेने मत करो। अगर वीडियो अच्छो लागे तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो सा। राम राम सा।